हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्राको चैंपियन स्पोर्ट्स गुरुजी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान के बीच में होने वाले तीसरे T20 मैच की। तो फ्रेंड, यहां पे पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी यहां पर T20 मैच के दोनों मैच यहां पर जीत गई है एंड यहां पर सीरीज भी जीत गई है फ्रेंड। तो यहां पर न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में कुछ चेंजेस कर सकती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और स्किप मत कीजिए फ्रेंड, जिससे कि आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फ्रेंड, ये रहेगी प्लेइंग 11 इस मैच में। बाबर आजम आएंगे, फखर जमान आएंगे, मोहम्मद हफीज़ आएंगे, शोएब मलिक आएंगे, सरफराज अहमद आएंगे, आसिफ अली आएंगे, शादाब खान आएंगे, इमाद वसीन आएंगे, फहीम अशरफ दिख जाएंगे आपको एंड यहाँ पर हसन अली एंड शाहीन शाह अफरीदी में से कोई एक आपको यहाँ पर दिख सकता है एंड वहाँ पर वकास महमूद या उस्मान खान में से कोई एक यहाँ पर खेल सकता है। तो फ्रेंड, प्लेइंग 11 की बात करें न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पर कोलिन मुनरो एंड कैन विलियमसन आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो और वन डाउन आएंगे यहाँ पर मार्क चैपमैन। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स को ज़्यादा मौके दे दिए हैं और यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स का यहाँ पर परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखे होंगे कि न्यूजीलैंड का जो ए टीम था वहाँ पर भी ग्लेन फिलिप्स ने कुछ नहीं किया एंड यहाँ पर भी ग्लेन फिलिप्स का परफॉर्मेंस लगभग जीरो है। तो यहाँ पर जो बेंच पर बैठे हुए चैपमैन, इनको खेलने का इस मैच में हाई मौका है फ्रेंड। तो यहाँ पर चैपमैन का खेलने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर रोस्टर दिख जाएंगे, कोर एंडरसन सेपर्ट आ जाएंगे, फिर यहाँ पे कॉलिन ग्रैंड होम, फिर यहाँ पे टेम साउथी, फिर यहाँ पे सोडी, फिर एजाज पटेल या लोकी फर्गूसन में से कोई एक खेल सकता है। तो फर्गूसन के चांस ज़्यादा हैं एंड एडम मिलने। तो फ्रेंड, ये होगी यहाँ पर इस मैच की न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पॉसिबल। तो फ्रेंड, बात करते हैं यहाँ पर जो ड्रीम 11 की टीम मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो फ्रेंड, एज ए विकेट कीपर हम यहाँ से जाएंगे सरफराज अहमद के साथ। आप चाहो तो फ्रेंड यहाँ से टीम सपोर्ट को भी ले सकते हो, वो भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो जाएंगे। बट फ्रेंड, यहाँ पर सरफराज अहमद के साथ मैं जा रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि यहाँ पर वो तो फिक्स है ही, कैप्टन है तो खेलेंगे ही। तो फ्रेंड, बैटिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाबर आजम के साथ जाऊँगा, कॉलिन मुनरो जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है एंड यहाँ पर कैन विलियमसन, साथ में आसिफ अली एंड मार्क चैपमैन। तो फ्रेंड, इनको मैं यहाँ से पिक करूँगा। तो मार्क चैपमैन बिल्कुल ही सेफ है इस मैच में मेरी तरफ से, आप बिल्कुल मार्क चैपमैन के साथ जाइए फ्रेंड, वो 100% इस मैच में खेलेंगे। तो फ्रेंड, मोहम्मद हफीज़ की बात करें तो मोहम्मद हफीज़ को यहाँ से खिलाऊंगा एंड यहाँ पे कोरी एंडरसन को खिलाऊंगा, जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड, मेरे पास थोड़ा यहाँ पे पॉइंट एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं कि मैं इमाद वसीम को ले पाऊँ, तो इसलिए मैं इमाद वसीम को यहाँ पर अपनी टीम से अवॉइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, अगर बॉलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर टीम साउथी, शादाब खान एंड यहाँ पे एडम मिल। तो फ्रेंड, ये होंगे मेरे तीन बॉलर यहाँ से। तो अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मोहम्मद हफीज़ को कैप्टन एंड बाबर आजम को वाइस कैप्टन। कैप्टन तो फ्रेंड यहाँ पे हफीज़ अच्छा ऑप्शन है। अगर वाइस कैप्टन आपको चाहिए तो यहाँ पे मुनरो को रख लीजिए एंड कैन विलियमसन को रख सकते हैं एंड अगर आपको ग्रैंड लीग में ट्राई करना तो ग्रैंड लीग में आप कैप्टन को चैपमैन ट्राई कर सकते हैं, कोर एंडरसन को आप रख सकते हैं फ्रेंड, ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। पर फ्रेंड, मेरा यहाँ पर प्रेफर करूँगा कि हफीज़ एंड बाबर आजम के साथ जाऊँ इस मैच में। तो फ्रेंड, ये रहेगी टीम मेरी इस मैच में आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्रेंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड, ओके, बेस्ट ऑफ लक।